आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पुलिस अधिकारियों की अहम बैठक हुई, जिसमें आईजी एसपी सहित आला अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान सभी अधिकारियों को निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े दिशा निर्देश दिए गए। उत्तर प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संपन्न हो सके, इसके लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से जुट चुकी है। वहीं सीतापुर में मंडलायुक्त ने चुनाव को लेकर अहम बैठक ली, जिसमें आईजी समेत सभी आला अधिकारी शामिल हुए, जिसमें बताया गया कि जनपद सीतापुर में 4 लोकसभा कॉस्टियर है, वह सीतापुर, मिश्रिख, धोरहारा और राजकौर्म की भी है। इसमें बताया गया कि मुख्यतः जो मेन पावर है, वह बताया गया कि मेन पावर की कोई समस्या नहीं है, और बताया गया कि कुछ गाड़ियों की दिक्कत आ सकती है, और बताया गया कि जो दिव्यांग है वह लगभग 17,000 से ऊपर है। जो डीएम द्वारा व्यवस्था की गई उसमें 700 ऐसे बूथ है जिनमें दिव्यांगों सारी सुविधाएं मिलेंगी, और बताया गया कि किसी भी ईवीएम मशीन में कोई गड़बड़ी आती है तो उसे तुरंत ठीक किया जाएगा और चुनाव के समय कोई गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीतापुर तो पूरी पड़ती है, मिश्रिख की विधानसभा है, धोरहारा की है, मोहनागंज की। तो इसके बारे में जो जानकारियाँ एसडीएम हैं, जो एआरओ हैं, उनके द्वारा दी गई। मुख्यतः जो मैन पावर के बारे में बताया गया कि मैन पावर की कोई समस्या नहीं है। गाड़ियों को लेके बताया गया कि कुछ गाड़ियों की दिक्कत आ सकती है, जिसके बारे में मंडलीय पुल से और लोकल व्यवस्था से यहाँ पे व्यवस्था की जाएगी। मेन जो यहाँ पे हम लोगों ने बात की, वो जो दिव्यांग वोटर है, दिव्यांग वोटर की संख्या लगभग 17,000 के ऊपर है। जो व्यवस्था की गई है जिलाधिकारी द्वारा, इनके द्वारा 775 बूथ ऐसे हैं जहाँ पे दिव्यांग वोटर्स को टैग किया गया है। हर बूथ पे 2 वॉलंटियर जिलाधिकारी द्वारा लगाए जा रहे हैं। ये 2 वॉलंटियर्स उस बूथों पे जो दिव्यांग वोटर हैं उनसे संपर्क करेंगे और उनको वोटिंग कराने में सहूलियत प्रदान करेंगे। सीतापुर से महबूब अली की रिपोर्ट।